अक्षय दत्त की अपकमिंग ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रस्थानम की स्पेशल स्क्रीनिंग को होस्ट किया संजय दत्त की ब्यूटीफुल वाइफ मान्यता दत्त ने। आपको बता दें कि मान्यता इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं। वैसे ये फिल्म एक साउथ मूवी का रीमेक है जिसने साउथ में भी कई अवार्ड्स अपने टाइम में जीते थे। इस स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर वहां नजर आए बॉलीवुड के कई स्टार्स, जैसे कि मिर्जापुर बॉय अली फजल को यहां मस्ती करते हुए देखा गया। वैसे आपको बता दूं कि मिर्जापुर में अली ने जितना सीरियस कैरेक्टर प्ले किया था, एक्चुअल में वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ब्लू डेनिम जैकेट एंड ब्लू टी शर्ट में अली एकदम सिंपल और कैजुअल नजर आए। बड़ी हुई दाढ़ी और स्माइली फेस ने सबको अट्रैक्ट किया। फिल्म प्रस्थानम एंड संजू बाबा के साथ काम करके उन्हें कैसा फील हो रहा है उन्होंने ये भी बताया, और इसके अलावा क्या कहा अली ने इस मौके पर, आइए देखते हैं। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सीड्स हैं उसमें, लेकिन जर्नी है एक उस लड़के की, फादर की, उसके भाई की, टू फिगर आउट की, टू फाइंड द डीमंस इनसाइड देमसेल्व्स, एंड फिर वो रिलेशंस की पूरी कहानी है, रिलेशनशिप्स की, ड्रामा ही ड्रामा है, मतलब हर जगह से। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में अली के साथ साथ फिल्म में उनके ब्रदर का कैरेक्टर प्ले करने वाले सत्यजीत दुबे को भी यहां देखा गया। उन्होंने भी इस फिल्म के बारे में मीडिया को बहुत सारी बातें बताई। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर सेक्शन 375 की हॉट एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भी यहां देखा गया। ऋचा ने भी अली के साथ मिलकर मीडिया के सामने कुछ पोज दिए। येलो सनग्लासेस एंड ब्यूटीफुल ड्रेस में ऋचा वाज लुकिंग लाइक अ डीवा। इस मौके पर फिल्म का एक और कैरेक्टर सामने आया और वो था अपने जग्गू दादा, जिन्होंने मुंबई स्टाइल कैप के साथ मीडिया को अपने लुक का दीवाना बना लिया। एंड फाइनली फिल्म की प्रोड्यूसर एंड संजू बाबा की वाइफ मान्यता दत्त भी इस मौके पर मीडिया के सामने आई। बिना कुछ कहे उन्होंने मीडिया को पोस्ट तो दिए, बट फिल्म की स्टोरी या फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं की। चलिए जो भी हो, मान्यता नोस कि सिर्फ बातों से कोई स्टार नहीं बनता, उसके लिए कुछ जबरदस्त करके दिखाना पड़ता है, और मान्यता की ये फिल्म ही उनकी चुप्पी का जवाब है।